दोस्तों, आज हम उस एक्ट्रेस की बात करेंगे जो हूबहू ऐश्वर्या राय की कार्बन कॉपी थी। जब इंडस्ट्री में आई तो इनके लुक्स के काफी चर्चे हुए। जहां फिल्मों में आने के लिए लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ता है, तो वहीं इन्हें प्लस क्लास पास करते ही फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया था, जिन्हें लोग लकी गर्ल के नाम से भी जानते हैं, जो सलमान खान को अपना गॉडफादर मानती है। जी हाँ, आप सही समझे, हम एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल की ही बात कर रहे हैं। आज इस वीडियो में स्नेहा उल्लाल के लाइफ और करियर से जुड़ी बातें हम आपको बताने वाले हैं, जो आपने शायद ही कहीं सुनी या फिर देखी होगी। आज हम जानेंगे स्नेहा उल्लाल की सच्चाई, अब तक की कहानी उनके। दरअसल स्नेहा उल्लाल का जन्म 18 दिसंबर 1987 को मस्कट यानी ओमान में हुआ था। कुछ सालों तक मस्कट में रहने के बाद स्नेहा उल्लाल का परिवार भारत आ गया और यहां आकर मुंबई में सेटल हो गया। स्नेहा उल्लाल ने मुंबई की वर्तक और एमएम कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है। इस वक्त स्नेहा उल्लाल एमएमटी कॉलेज में थी। तब वहां पर सलमान खान की बहन अर्पिता खान भी पढ़ा करती थी और यही कारण है कि कई मुलाकातों के बाद स्नेहा और अर्पिता दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन जब स्नेहा उल्लाल अपने घर पर थी, तब उनके घर की फोन की घंटी बजती है। फोन उठाने पर सामने से आवाज आता है, हेलो, मैं सलमान खान बोल रहा हूं। स्नेहा को लगा कि किसी ने मजाक किया है, तो उन्होंने फोन रख दिया। ऐसा 2 से 3 बार हुआ। एक्चुअली उसी दौरान स्नेहा एक पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रही थी, क्योंकि माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। इनकी माँ को कैंसर हो गया था, उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, इसीलिए उनका रोज हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता था। 2-3 महीनों के बाद जब सब कुछ ठीक हुआ, स्नेहा की माँ घर पर आई तो स्नेहा ने अपनी माँ को पूरा इंसिडेंट बताया और जिस नंबर से कॉल आया था सलमान खान के नाम से, वो नंबर इन्होंने माँ को दे दिया। स्नेहा की माँ ने खुद उस नंबर को डायल की और जानने की कोशिश की कि आखिर वो कौन शख्स है और इस तरह मजाक क्यों कर रहा है। तब स्नेहा की माँ को पता चला कि वाकई में जो कॉल था वह सलमान खान का ही था। सलमान खान स्नेहा को एक फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। दरअसल अर्पिता खान ने सलमान खान को स्नेहा के बारे में बताया था और स्नेहा का नंबर अर्पिता ने ही सलमान खान को दिया था। सलमान खान इस दौरान एक फिल्म बना रहे थे, लकी, और वह उस फिल्म में स्नेहा को कास्ट करना चाहते थे। स्नेहा को कास्ट करने का सलमान खान का एक निजी कारण भी था, वो ये कि स्नेहा के लुक्स हूबहू ऐश्वर्या राय के जैसे लगते थे। इस फिल्म में सलमान खान को एक और एक्ट्रेस नजर आई थी, लेकिन सलमान खान के साथ बजरंगी भाईजान और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, वो हैं मेहर बीच। इन्होंने इस फिल्म में स्नेहा की फ्रेंड का रोल किया था। सोहेल खान ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म में काम करने के लिए स्नेहा ने अपनी पढ़ाई से गैप ले लिया और वो काफी एक्साइटेड थी कि वो सलमान खान की हीरोइन बनने जा रही है। हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप हुई। स्नेहा के लिए एक बात अच्छी थी कि उन्हें पहली बार में एक बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिला। सलमान की हीरोइन बनकर इंडस्ट्री में आई। इसके अलावा ऐश्वर्या के जैसे दिखने के कारण लोगों को नजर जल्दी आ गई, लेकिन बाद में उनका ऐश्वर्या के जैसा दिखना ही काफी नुकसान साबित हुआ। उन्हें हर बार ऐश्वर्या से कंपेयर किया जाने लगा और जाहिर सी बात है कि स्नेह और ऐश्वर्या में बहुत फर्क है। ऐसे में आगे चलकर स्नेहा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। फिल्म लकी के बाद स्नेहा को फिल्मों के ऑफर्स तो मिले, लेकिन उन्होंने कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। 2 सालों तक वह इंडस्ट्री से दूर रहे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद स्नेहा फिर से एक्टिव हो गई। इसके बाद सलमान खान के बैनर की फिल्म आर्यन बन रही थी और इस फिल्म में एक बार फिर से स्नेहा को कास्ट किया गया, लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप रही। इस फिल्म से स्नेहा को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। सलमान की एक्ट्रेस होने के बावजूद, ऐश्वर्या राय के उनकी खूबसूरती से कंपेयर होने के बावजूद, फिल्म इंडस्ट्री में स्नेहा अपना नाम नहीं बना पाई। इसी दौरान स्नेहा को बॉलीवुड में कोई काम नहीं मिल रहा था। तब साउथ से कुछ अच्छे ऑफर्स आए और उन्हें एक बहुत बड़ी फिल्म मिली। इस फिल्म को साइन करने से पहले स्नेहा सलमान खान से मिलना चाहती थी और उनसे पूछना चाहती थी कि क्या साउथ की फिल्मों में इस वक्त काम करना उनके लिए ठीक रहेगा। तो सलमान खान ने उन्हें यही कहा कि तुम पहले फिल्म इंडस्ट्री में आना नहीं चाहती थी, अब खुद फिल्में तुम्हारे पास आ रही है तो शायद तुम फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही बनी हो। सलमान खान के इन शब्दों के बाद स्नेहा ने बहुत ही पॉजिटिव महसूस किया और उन्होंने इस फिल्म को साइन किया। यह फिल्म उनके लिए लकी साबित हुई। जो सक्सेस स्नेहा अब तक बॉलीवुड फिल्मों में ढूंढ रही थी, वह सक्सेस उन्हें साउथ में जाकर मिली। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई
इसके बाद साउथ में ही स्नेहा काम करने लगी। वहां की रेगुलर एक्ट्रेस बन गई। स्नेहा साउथ में काम कर रही थी, लेकिन बॉलीवुड में काम करना उनका मेन टारगेट था, और यही कारण था कि उन्होंने 2015 में एक बार फिर से इंडस्ट्री में कमबैक करने की कोशिश की। इस बार फिल्म थी बेजुबान इश्क है, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। जिस वक्त स्नेहा उल्लाल हिंदी फिल्म फिर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, उन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। 2016 में स्नेहा उल्लाल को ऐसी बीमारी हो गई जिस कारण वो 30 से 40 मिनट से ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती थी। उनकी तबीयत खराब होने लगी। इसके बावजूद उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने जितने भी कमिटमेंट थे वो पूरे किए, लेकिन बाद में हेल्थ को इग्नोर करने के कारण उनकी जो समस्या थी और भी ज्यादा बढ़ गई, और कई दिनों तक स्नेहा उल्लाल को बेड रेस्ट भी करना पड़ा। सालों तक उनका ट्रीटमेंट चला और ऐसा टाइम हो गया कि इंडस्ट्री से स्नेहा उल्लाल गायब ही हो गई। हालांकि स्नेहा ने अपना पूरा ट्रीटमेंट किया, और इसके बाद जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तब उन्होंने मीडिया को बताया कि क्यों वह इंडस्ट्री से अचानक से गायब हो गए थे। उनके गायब होने का कारण उनका फ्लॉप करियर नहीं था, बल्कि उनकी बीमारी थी। और ठीक होने के बाद स्नेहा ने फिर से अपनी एक्टिंग की शुरुआत OTT प्लेटफॉर्म से की, स्पैरो डेड नाम के शो से, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर बेस्ट थी। इसमें उन्होंने काम किया। जहां तक बात स्नेहा उल्लाल की पर्सनल लाइफ की, तो उनके अफेयर की खबरें तब आई थी जब उनका नाम जुड़ा अवि मित्तल नाम के शख्स से। स्नेहा ने कुछ समय तक इन्हें डेट किया, फिर बाद में किसी वजहों से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिलहाल वो अभी सिंगल लाइफ एंजॉय कर रही हैं। स्नेहा उल्लाल के पसंदीदा चीजों की बात करें तो उन्हें खाने में मैक्सिकन खाना बहुत पसंद है। स्नेहा के पसंदीदा एक्टर हैं अक्षय कुमार, और एक्ट्रेस में करीना कपूर और त्रिशा कृष्णन पसंद है। स्नेहा की पसंदीदा फिल्म का नाम है जो जीता वही सिकंदर। स्नेहा उल्लाल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें जानवरों से बहुत प्यार है, और इसी वजह से उनका सपना है कि वो जानवरों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाना चाहती है। ये दोस्तों स्नेहा उल्लाल की अब तक की कहानी वीडियो है, इसलिए आप हमें कमेंट कर बताइएगा, और स्नेहा उल्लाल आपको कैसी लगती थी ये भी बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।